हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्न हब। आज से मतलब 23 नवंबर 2017 से स्मार्ट लर्न हब चैनल पे बीएससी पार्ट टू का मैथ का वीडियो अपलोड होना शुरू हो गया है। ये वीडियो कल अपलोड होगा 24 नवंबर 2017 को, तो कल से रेगुलर वीडियो इस पे अपलोड होगा। दो रोज पे, तीन रोज पे बीएससी पार्ट टू का वीडियो आप लोगों को इस पे मिलेगा। तो आप बीएससी पार्ट टू के लेटेस्ट मैथ्स के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए, आज का जो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डायनेमिक्स से, और इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन से जो क्वेश्चन आता है उस पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन गिवेन है ए पार्टिकल इज इन SHM, कोई पार्टिकल है और वो SHM में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। द पार्टिकल इज एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। पार्टिकल इस टाइम पे है एंड पार्टिकल इज एट डिस्टेंस एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। मतलब जब पार्टिकल टी बराबर 1 सेकेंड पे था तो इसका डिस्टेंस था एक्स, टी बराबर 2 सेकेंड पे इसका डिस्टेंस था वाई, और टी बराबर 3 सेकेंड पे इसका डिस्टेंस था जेड। तो इसमें हम लोगों को प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन प्रूव दैट टी इज इक्वल टू 2π cos inverse एक्स प्लस जेड बाय 2y। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ SHM हम लोगों को मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ SHM है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब हम लोगों को यहाँ कंडीशन दे रखा है टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3। तो हम लोग ये टी इज इक्वल टू जब 1 सेकेंड है तो उस समय इसका SHM का इक्वेशन हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज इसका तभी टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसका डिस्टेंस क्या है एक्स, तो सो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा और टी का वैल्यू 1, तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा हो जाएगा। एंड नाउ व्हेन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, देन जब एक्स का, जब टी का वैल्यू 2 सेकेंड है तो इसका डिस्टेंस क्या है वाई है, तो ये वाई इज इक्वल टू हो गया ए साइन, अब टी का वैल्यू 2 है तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ओमेगा हो जाएगा। तो इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, तो साइन 2 थीटा बराबर होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये फार्मूला यहाँ पे थीटा की जगह क्या है ओमेगा, तो ये हो जाएगा ए साइन, सॉरी ये 2 हो जाएगा यहाँ 2 sin ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, ये 2 को आगे कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा, और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ए साइन ओमेगा इज इक्वल टू क्या है एक्स है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 2x cos ओमेगा, और ये वाई इज इक्वल टू है तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। एंड नाउ व्हेन टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, जब टी का वैल्यू 3 सेकेंड है तब जाके इसका डिस्टेंस क्या है जेड है, एंड ये है टी का वैल्यू जब 3 सेकेंड रखेंगे तो ये इसमें एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए साइन 3 ओमेगा। अब यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे साइन 3 ओमेगा का फार्मूला पुट कर देते हैं, तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin3 थीटा। तो यहाँ फिर थीटा की जगह क्या है ओमेगा है, तो ओमेगा पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए साइन
सॉरी यहाँ तीन से मल्टी इस पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए 3 sin ओमेगा माइनस 4 sin³ ओमेगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं साइन ओमेगा कॉमन हो जाएगा, तो ए साइन ओमेगा को कॉमन जब लिए तो ये बचा 3 - 4 sin² ओमेगा। और ये वैल्यू आप फिर देखेंगे ए साइन ओमेगा ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, तो यहाँ भी दिस इम्प्लाई जेड इज इक्वल टू पुट कर दिए एक्स 3 - 4 sin² ओमेगा। अब हम लोगों को जो प्रूफ करना था यहाँ पे देख रहे हैं एक्स प्लस जेड है, मतलब अगर हम लोग ये दोनों को इक्वेशन इसको मान लीजिए आप 3, तो यहाँ पे अगर एक्स प्लस जेड को अगर जोड़ते हैं तो लगभग कुछ आ सकता है, तो इसको देखते हुए क्या प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 1 और 3 को जोड़ देते हैं, तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, जब इक्वेशन 1 और 3 को जोड़े तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू यहाँ पे है ए साइन ओमेगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा ए साइन ओमेगा 3 - 4 sin² ओमेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ए साइन ओमेगा और ए साइन ओमेगा ये भी कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा को हम लोगों ने कॉमन लिया तो ये बच गया यहाँ पे इसका जगह 1 प्लस, और यहाँ पे बच गया ये 3 - 4 sin² ओमेगा। दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू ये वैल्यू किसके इक्वल हो गया, फिर एक्स के इक्वल हो गया, तो इसको हम लोगों ने पुट कर दिया एक्स, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 + 3 ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ -4 है तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो ये 4 को हम लोगों ने बाहर कर लिया, तब यहाँ पे जब 4 को बाहर कर लिए तो ये बच जाएगा 1 - sin² ओमेगा। दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 4x, और ये 1 - sin² ओमेगा को लिख देते हैं cos² ओमेगा। दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू इसको लिख देते हैं 4 को 2 × 2x, इसको इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हमको अब वाई मतलब फाइंड करना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं कॉस ओमेगा हम लोगों को इक्वेशन 2 में है, तो इसको एक कॉस ओमेगा को लेके इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करना चाहेंगे, तो ये इसको 2 × 2x लिख देते हैं इस 4x को, और यहाँ पे ये cos² ओमेगा को लिख देते हैं cos ओमेगा × cos ओमेगा। तब ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे y के इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको लिख दीजिए from 2, 2 से हम लोगों को ये y के इक्वल मिलेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस जेड इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा y के इक्वल, और ये हो गया cos ओमेगा। अब ये इसके सामने लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे आपने पुट किया इसका वैल्यू। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे अब आप क्या कीजिए कॉस, अब इसको इस साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड बाई 2y इज इक्वल टू कॉस ओमेगा। दिस इम्प्लाइज ओमेगा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस जेड बाई 2y, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, चूँकि हम लोगों को पता है टी बराबर होता है 2π/ओमेगा। अगर ये नहीं पता तो ये तो पता ही होगा ओमेगा बराबर 2π/टी होता है, तो आप इसको यहाँ से सेपरेट कर लीजिए, तो टी बराबर हो जाएगा 2π/ओमेगा।
ओमेगा। अब यहाँ पे आप लोग टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा का वैल्यू आपने यहाँ पर निकाला है, और ये है कॉस इनवर्स एक्स प्लस जेड बाय 2y फ्रॉम इक्वेशन 4। तो ये हो गया प्रूव्ड। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक करें, और फ्रेंड्स में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।